हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने घन, क्यूब और घनाभ, क्यूबॉइड को नापने के बारे में और जाना। इस वीडियो में हम इससे संबंधित कुछ गलत अवधारणाओं को देखेंगे। गोलू ने गग्गू की दुकान से ढेर सारे सेंटीमीटर घन ब्लॉक्स खरीदे। गोलू और उसके दोस्त ने उन ब्लॉक्स से खूब मजे से खेला। सभी दोस्त अपने अपने घर लौट गए, केवल शेर खान गोलू की मदद करने के लिए रुक गया। अब गोलू सोच रहा है कि वो उन ब्लॉक्स को डिब्बों में भर के रख देगा ताकि वो और उसके दोस्त उनसे फिर कभी दोबारा खेल सकें। गोलू, चलो मैं तुम्हें इन ब्लॉक्स को डिब्बों में भरने में मदद कर देता हूँ, तुम जल्दी से डिब्बे ले आओ, शेर खान ने गोलू से कहा। मेरे पास ये घन आकार का डिब्बा है और ये घनाभ आकार का डिब्बा है। घनाभ तो घन से बड़ा होता है, इसलिए घनाभ का आयतन घन के आयतन से बड़ा ही होगा। चलो हम पहले इस घनाभ आकार के डिब्बे में ही ब्लॉक्स भर लेते हैं, फिर बचे हुए ब्लॉक्स को हम घन आकार के डिब्बे में रख देंगे। ऐसा जरूरी नहीं है गोलू कि घन आकार का आयतन घनाभ आकार के आयतन से हमेशा कम हो। देखो, इस घनाभ आकार के डिब्बे की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। इसका मतलब इस घनाभ आकार के डिब्बे की पहली परत में लंबाई गुणा चौड़ाई या 8 × 4 32 घन होंगे और इसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ऐसी 2 परतें होंगी। हम घनाभ आकार के डिब्बे में कुल 32 × 2 64 सेंटीमीटर घन रख पाएंगे। दूसरे शब्दों में घनाभ आकार के डिब्बे का आयतन 64 सेंटीमीटर घनों के बराबर है। मैं इस घन आकार के डिब्बे का आयतन ढूंढ लेता हूँ शेर खान। घन आकार के डिब्बे की भुजाएं 4 सेंटीमीटर की हैं। इसका मतलब इसकी पहली परत में 4 × 4 16 घन होंगे और इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ऐसी 4 परतें होंगी। हम घन आकार के डिब्बे में 16 × 4 64 घन रख पाएंगे। दूसरे शब्दों में इस घन आकार के डिब्बे का आयतन 64 सेंटीमीटर घनों के बराबर है। अरे, इन दोनों डिब्बों के आयतन तो बिल्कुल बराबर है। तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही थी शेर खान। ऐसा जरूरी नहीं है कि घन आकार का आयतन घनाभ आकार के आयतन से हमेशा कम हो। चलो गोलू, अब हम जल्दी से इन दोनों डिब्बों में 64-64 घन भर लें और फिर हम बाहर खेलने चलें। गोलू और शेर खान ने मिलकर उन ब्लॉक्स को दोनों डिब्बों में भर लिया और दोनों दोस्त बाहर खेलने चले गए। बच्चों, इस वीडियो में हमने घन, क्यूब और घनाभ, क्यूबॉइड को नापने से संबंधित कुछ गलत अवधारणाओं को देखा।